तो गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने घर कोलकाता, वो भी 5 महीने बाद। ओके, और मेरे दोस्तों को पता भी नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं आ रहा हूँ कोलकाता। ऑब्वियसली 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है और मुझे अभी तैयार होकर निकलना है। तो फिर मिलते हैं एयरपोर्ट पे और देखते हैं कि कैसा जाता है यार ये ट्रैवलिंग जर्नी। आई एम रियली एक्साइटेड to visit my place again after 5 months obviously। लेकिन क्या है ना, whenever you visit your hometown, जब छुट्टियों पे जाते हो ना घर, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो वही वाला excitement वाला feeling आ रहा है। मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा break भी चाहिए था और कुछ personal reasons भी है मम्मी पापा के लिए, I have to leave। तो yes, मिलते हैं कोलकाता में, सी यू। नहीं एक्चुअली एयरपोर्ट पर मिलते हैं। या सिंस मैं कोलकाता जा रहा हूँ और वहाँ पे ना थोड़ा सा बंगाली में कन्वर्सेशन होने वाली है, सो फॉर ऑल माई नॉन बंगाली फ्रेंड्स आउट हियर, पीपल फ्रॉम मुंबई स्पेशली, उनके लिए आई विल सेपरेटली मेक अ सब टाइटल फॉर दैट, सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, और जो कि मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लोग हैं। सो अचानक से मैं जाऊँगा ना वहाँ पर, जाके मैं अगर हिंदी में बात करूँगा ना, वो सेंस नहीं बनती है ना। सो आई कॉन्ट बी लाइक, आई कॉन्ट एक्ट लाइक दैट। तो येस, आई डेफिनेटली ट्राई टू कम्युनिकेट मैक्सिमम इन इंग्लिश एंड इन बंगाली, बिकॉज दे ऑल आर बंगाली। सो हाँ, सब टाइटल्स नीचे लिख दूंगा, तो उतना कंप्लेन मत करियो। बाय। अभी मुझे जल्दी निकलना है कैब बुक करके, और ये जैकेट मैंने अभी पहना है क्योंकि अभी मेरे को फ़िलहाल ठंड लग रही है। मुझे पता है बाद में जाके मेरे को ये उतारना ही पड़ेगा क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी है। अभी फ़िलहाल मेरे को ठंड लग रही है तो आई एम वेयरिंग दिस, और शायद एयरपोर्ट पे भी ठंड लगे सो आई विल कैरी इट, बट अदरवाइज दिस इज़ माई आउटफिट गाइज। अच्छा लगे तो कमेंट करते गाइज। कैब पे चढ़ गया मैं और 10-15 मिनट में पहुंचने वाला हूं मैं, आई गेस। सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ गेट पे, दे मिलते हैं। तो अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फ्लाइट टू अराइव, अभी तो 11:39 है, मेरी फ्लाइट है अभी 12:55 की, प्रीपोन हो गया है। तो लेट्स सी कितने देर में आती है फ्लाइट, डिले तो होती है थोड़ी। मिलते हैं लैंड करके। यार कभी कभार फ्लाइट जर्नी भी बहुत बोरिंग हो जाता है और अनोइंग भी होता है। जैसे कि मेरे सामने वाले सीट पे एक फैमिली बैठा था और वहाँ पे इतना बकबक चालू था यार, क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी 3 घंटे में पहुँचा देते हैं ये लोग, अच्छा ही है। आई लैंडेड इन कोलकाता, बस
3 घंटे का फ्लाइट था, बहुत टायर्ड हूँ। अभी जाऊँगा मेरे अपने दीदी के घर पे, इसके लिए मैं करूँगा बुक कैब और जाना पड़ेगा अभी। यार इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब वो फिल्म वाला वाइब होता है ना कि बहुत दिनों बाद घर जा रहा हूँ लौट कर, और बहुत इमोशनल भी हो जाता हूँ यार कभी कभार कि मैंने अपना बचपन पूरा यहाँ पे गुजारा है एंड अभी बस काम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी अच्छा ही है, इसका वैल्यू जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। आई एम थैंकफुल टू गॉड। हे गाइस, मैं पहुंच गया अपनी दीदी के घर पे और फैशन अप भी हो गया। हाँ, बाल थोड़ा बिखरे हुए थे। ये देख लो घर कितना सुंदर है और प्यारा भी है। ये सामने एक बहुत बड़ा फील्ड है, ये बालकनी है और ये रूम है पूरा। आई रियली लव टू कम हियर एवरी टाइम व्हेन आई विजिट कोलकाता। हाँ ऑब्वियसली दीदी रहती है, ये तो एक अलग चीज़ है। माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ, एवरीबॉडी स्टेज हियर। मेरे ब्रदर इन लॉ का ही घर है ये। तो आज मैं पूरा दिन यहीं पर रहूँगा एंड द नेक्स्ट डे आई विल गो टू माय प्लेस, माय होम, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते हैं, वो भी दिखा दूँगा। ओके, सो कल मिलते हैं। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, सो आई विल टेक अ रेस्ट एंड अ गुड नाइट स्लीप। सी यू टुमारो, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मुझे जाना है अपने घर पे और मैं फ्रेशन अप होऊंगा, खाना खा लूँगा, लंच बनाऊँगा। नहीं, लंच मुझे भी नहीं बनाना है। ओके, बेबी घर पे हो, मुझे कुछ नहीं बनाना है, मेरी दीदी बनाएगी। हाँ, और कुक है नीचे तो वो सब बना देगी। अभी तो भाई 10-15 दिन मैं कुछ खाना नहीं बनाऊँगा, मस्त खाऊँगा, मस्त सोऊँगा। नहीं, सोना भी नहीं है, घूमना भी है, फिरना भी है और थोड़ा काम भी करना है, बट यस मज़ा तो आएगा। खाना बनाना नहीं है यार, क्या अलग ही सुकून मिलता है ना यार। यार ये तो चाहिए, बस मुंबई में बजट नहीं होता है ना कुक रखने का, वही सीन है। ठीक है ना, चलो मिलते हैं ऑन द वे, बाय। ओके गाइस, तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर। मेरे जीजा जी भी है मेरे साथ और मेरी दीदी भी है गाड़ी पे। ये जो हवा है ना यार, इतना मज़ा आता है कलकत्ता का जो हवा है यार। आई मिस कोलकाता सो मच। ओके, देख लो इन दोनों को, ये मेरे जीजा जी और मेरी दीदी है। एंड यस, ये वाला जो रास्ता है ये तो तुम्हें, तुम लोग जानते ही होगे, द फेमस ताज ITC। बहुत लोग वीडियो भी बनाते हैं। और ये मैं घुस गया अपने घर पे, लाइक ये घर का रास्ता जो है ना, दिस रोड इज़ कॉल्ड NSC बोस रोड। ये अभी हम लोग घुस रहे अपने एरिया पे, लाइक अपने सोसाइटी पे। ये देखो कैफ़ेज़ भी है और मेरा जो सोसाइटी है वो बहुत बढ़िया है, शांत भी रहता है। और ये हम लोग पहुंच गए अपने घर और वहाँ देखो मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही है। गाइस, मैं अभी थोड़ा रेडी हो गया हूँ और मुझे अभी जाना है मेरे दोस्तों को थोड़ा सा सरप्राइज देने के लिए। और ये मेरा बाइक है, इफ़ यू कैन सी आई विल शो इट टू यू, माय बाइक। इतना खास नहीं है, बढ़िया। मुझे अभी जाना है उन लोगों को सरप्राइज करने के लिए। स्टे ट्यून, ठीक है, मिलते हैं। क्या बना जी?
Bye, ki hocche seriously. फाइनली गाइज मैं घर पे पहुंच गया हूँ और मुझे अभी भयंकर नींद आ रही है, भयंकर वाली नींद आ रही है। तो मुझे सोना है अभी, कल मुझे सुबह उठना है। सुबह उठ के मैं आपको दिखाऊंगा कि घर पे कैसे क्या होता है मेरा। आई थिंक दिस व्लॉग आई वॉन्ट कंटिन्यू दिस व्लॉग, आई विल मेक इट अ पार्ट टू वन, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं वो नहीं चाहता, वेरी ऑनेस्ट। So I'm thinking that I'll end this vlog out here and I'll continue this vlog again the next day. So till then stay tuned aur mere jo Kolkata ke journey hai I hope you all will like it and you guys will enjoy ki main Kolkata mein kya kar raha hu kya nahi kar raha hu and trust me honestly main bata raha hu yahan pe bahut fun hota hai especially with my friends and this is indeed the city of joy. Stay tuned, see you till the next vlog.